Good morning children, welcome to class 2 computers. Children, this is our computer book IT Planet, my bits and bytes computer series 2. Children, in our previous video we were doing chapter 5, that is monitor. So children, we had done some of the topics. Let us revise those topics and move further in the chapter. So children, let us start today's topic, that is monitor. So children, we were doing chapter 5, that is monitor. So here is the chapter, children, monitor. In this chapter, monitor, chapter 5. So children, in this chapter we had studied that monitor is one of a very important part of computer. It is used to display text, pictures and videos. Children, a monitor look like a television. A monitor look like a television. So children, you can see in the picture also, here is a picture of monitor. It is exactly like a TV which you have at your home. So children, monitor resembles a television, or it looks like a television. Bachcho, jaisa ki hum jante hain, monitor is a very important part of a computer. It is used टू डिस्प्ले, जो भी हम लिखते हैं वो दिखाता है, जो भी पिक्चर वगैरह हम उस पर देख सकते हैं या वीडियोस देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर ही डिस्प्ले कराता है या शो कराता है. नाउ चिल्ड्रन, वॉट एवर यू डू ऑन अ कंप्यूटर यू गेट द फाइनल रिजल्ट ऑन द मॉनिटर. सो चिल्ड्रन, एज वी नो, कीबोर्ड, वी गिव सम इंस्ट्रक्शंस थ्रू द कीबोर्ड एंड CPU परफॉर्म्स द वर्क and the final result we get on the monitor. जो भी काम हमको कंप्यूटर से करना होता है वो कीबोर्ड के द्वारा हम प्रोवाइड करते हैं. रॉ मटेरियल या द इंफॉर्मेशन विच इज़ नीडेड फॉर डूइंग दैट वर्क, वो सारा वी गिव टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड एंड द फाइनल रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. उस काम के पूरा होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मोनिटर. सो children, this is monitor and it is displayed on the monitor. Now children, our next point is, whatever you do on a computer you get the final result on monitor. That's what I told you. If you are making a result, you give the instructions or the data required, for example the marks of all the subjects, और चिल्ड्रन फीड रिमार्क्स बच्चों के, या फिर उनसे रिलेटेड ग्रेड्स वगैरह, जो भी हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, CPU इसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है. एंड चिल्ड्रन, द इंफॉर्मेशन विच इज़ डिस्प्लेड, द फाइनल इंफॉर्मेशन विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. और सॉफ्ट कॉपी का मतलब आपको मैंने पहले भी समझाया, आज फिर आई एम एक्सप्लेनिंग यू. चिल्ड्रन, द इंफॉर्मेशन where you can make changes is called soft copy. और इसके अलावा there is another word children which you should know, that is hard copy. The information which you get printed on the paper is called hard copy. Whatever is displayed on the screen, if it is displayed on the screen or the monitor, it is called soft copy. And when it is printed on a paper, it is called hard copy. Soft copy में children, आपको कोई भी चेंज करना है, आपको रिव्यू करना है, आपको कुछ ऐड करना है, आपको कुछ डिलीट करना है, तो यू कैन ईजिली डू. वेयर एज चिल्ड्रन, हार्ड कॉपी में इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक, द ओनली ऑप्शन इज़ टू डिस्ट्रॉय द पेज और द पेपर. यू हैव टू गेट इट प्रिंटेड वंस अगेन आफ्टर मेकिंग पॉसिबल करेक्शंस इन द ऑन द मॉनिटर. तो मॉनिटर के ऊपर सॉफ्ट कॉपी में करेक्शन करने के बाद फिर से हमें दोबारा उसे निकलवाना होगा, तब इन दिस वे ओनली वी कैन डू एनी काइंड ऑफ चेंज. द सॉफ्ट कॉपी इज़ अ इंफॉर्मेशन विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इन विच यू कैन डू करेक्शंस. एंड हार्ड कॉपी इज़ द इंफॉर्मेशन विच यू गेट प्रिंटेड ऑन द पेपर. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड अ सॉफ्ट कॉपी. नाउ चिल्ड्रन, मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU. VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. चिल्ड्रन, फुल फॉर्म ऑफ VDU इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट.
वो यूनिट जो विजुअली हमें किसी चीज़ को डिस्प्ले कराती है, यानी दिखाती है या शो करती है, उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन आर प्रीवियस वीडियो. देन चिल्ड्रन, येस्टरडे वी ऑल्सो स्टडीड फीचर्स ऑफ अ मॉनिटर. सो चिल्ड्रन, अंडर द फीचर्स ऑफ द मॉनिटर वी हैव स्क्रीन. सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन है, और ये स्क्रीन मेन पार्ट होता है मॉनिटर का, जिस पे हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो कि हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं. तो अब बच्चों, जब आपने कभी देखा होगा, इवन दो यू डोंट नो हाउ टू रन अ कंप्यूटर, लेकिन यू मस्ट हैव यूज्ड और यू मस्ट हैव टच्ड द माउस ऑफ अ कंप्यूटर. जब आपने माउस को हिलाया होगा तो यू मस्ट हैव सीन कि जो एक पॉइंटर होता है, एक एरो के तीर के शेप में जो पॉइंटर माउस के स्क्रीन के ऊपर होता है, वो आपके हाथ को हिलाने से, आपके माउस, जब आप अपने हाथ से माउस को हिलाते हो तो वो भी हिलता है. इसका मतलब कि जो भी हम करते हैं वो सब कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है. एंड दिस इज़ द यूनिट और द एरिया वेयर ऑल द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर, उसका फाइनल रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है. सो चिल्ड्रन, स्क्रीन इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर. आफ्टर दैट चिल्ड्रन, साइज ऑफ अ मॉनिटर. यू मस्ट हैव सीन वेरिंग साइज ऑफ द मॉनिटर. आपने कंप्यूटर को अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज में देखा होगा. तो चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाई वी हैव डिफरेंट कंप्यूटर्स विद डिफरेंट साइजेस? सो चिल्ड्रन, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टेलीविजन. इफ़ यू हैव अ टेलीविजन चिल्ड्रन, तो टेलीविजन क्या सबके घर में एक ही साइज का होता है? या हर जगह पे, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो स्कूल हो, या फिर घर हो, या हमारे घर में भी अलग अलग घरों में अलग अलग साइज़ के मॉनिटर होते, टीवी स्क्रीन होते हैं या टीवी होता है. तो चिल्ड्रन, दिस इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द पर्सन. इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द पर्सन टू ऑफ पर्सन टू पर्सन. मतलब जिसका सबकी अपनी अपनी यूज़ के हिसाब से, अपने रूम साइज़ के हिसाब से, घर के हिसाब से लोग टीवी सेलेक्ट करते हैं. तो वहाँ पे भी डिपेंड्स अपॉन द यूसेज के ऊपर ही डिपेंड करता है. तो यहाँ पे भी अगर मॉनिटर, हमको जिस तरह का मॉनिटर का काम हमको चाहिए, वैसा हम मॉनिटर चूज़ करते हैं, छोटे से बड़ा. तो यहाँ पे हमारे पास जो भी मॉनिटर्स है वो अलग अलग साइज़ में है. यू कैन सी द पिक्चर हियर चिल्ड्रन. आई थिंक दिस इज़ 14 इंचेस, दिस इज़ 15 इंच, 17 इंच, 22 एंड 26. So children, these are the different sizes of monitor. And children, we have some more monitors of different sizes, but these are the commonly used monitor size. जो हम commonly use करते हैं वो size यहाँ पे दिए गए हैं. तो children, I hope you must have understood पहली बात कि जो screen होता है वो main unit होता है computer monitor का, जहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें दिखती हैं जो हम कर रहे होते हैं, या फिर जो CPU करके हमें देता है. मतलब फाइनली जो भी चीज़ हमारा काम ख़त्म होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है, दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. उसके बाद चिल्ड्रन, वी हैव कंप्यूटर और द मॉनिटर ऑफ डिफरेंट साइजेस. डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ ऑफ द मॉनिटर वी चूज टू हैव डिफरेंट साइजेस. उसके बाद चिल्ड्रन, अ मॉनिटर हैज़ अ पावर बटन. जैसा कि आपको हमने जब क्लास वन में सिखाया था कि हाउ टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ अ कंप्यूटर, दैट टाइम वी टोल्ड कि देयर इज़ अ पावर बटन प्रेजेंट ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर के ऊपर एक पावर बटन होता है. सो चिल्ड्रन, दिस पावर बटन इज ओनली टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन द कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, अदर देन दीज पावर बटन्स, इसके अलावा बच्चों हमारे पास कुछ और बटन्स होते हैं. जैसा कि आपने देखा होगा टीवी में भी कुछ बहुत सारे बटन्स होते हैं, और टीवी में भी हम पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उसके हिसाब से हमें बहुत सारे बटन्स दिए होते हैं. सो चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ दीज बटन्स ओनली वी आर एबल टू एडजस्ट द मेक सम सेटिंग इन द कंप्यूटर मॉनिटर. टीवी के स्क्रीन में जो हमें पिक्चर्स दिखते हैं उसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर पाते हैं, जैसे कि हम ब्राइटनेस सेट कर पाते हैं, कंट्रास्ट सेट कर पाते हैं, कलर सेट कर पाते हैं, और भी फीचर्स जो हमें मूवी या पिक्चर्स देखने के लिए ज़रूरत होती है, अपने ज़रूरत के हिसाब से वी मेक चेंजेस. सो चिल्ड्रन, जो भी इमेज उसमें दिखाई देता है उसमें भी अगर हम कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन डू. सो चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर इज अ Here are the switches or the buttons which are present, and these buttons are used to make any kind of setting in the computer.
मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर किसी भी तरह की सेटिंग हमको करनी पड़ती है पिक्चर जो दिखते हैं उनके लिए, तो वी यूज़ दीज बटन्स। उसके अलावा इन द सेंटर वी हैव रेड कलर्ड बटन चिल्ड्रन, दिस रेड कलर्ड बटन इज़ टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ अ कंप्यूटर। सो चिल्ड्रन विद दिस वी हैव studied about different features of computer. Children, other than this, we have some more features in our computer. Children, in our previous video, we have studied that some of these computers have tilt and swivel base. टिल्ट एंड स्वीवल बेस का मतलब होता है कि ये जो कंप्यूटर होता है उसके नीचे एक राउंड डिस्क होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर टिल्ट हो सकता है या फिर रोटेट कर सकता है। तो ये सारे चीज़ें हमें कंप्यूटर में मिल सकते हैं, हम जिस एंगल में उसको एडजस्ट करना चाहते हैं वी कैन एडजस्ट इट। तो इसका जो बेस होता है, यहाँ पर जो इसका बेस है, इसके हिसाब से हम कंप्यूटर को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और उसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। सो टिल्ट एंड स्विवल बेस का मतलब होता है सम मॉनिटर्स हैव अ टिल्ट एंड स्विवल बेस एंड दैट अलाउज यू टू एडजस्ट द एंगल, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को डिफरेंट एंगल्स में सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर यूज़ एंड कन्वीनियंस। हम किस तरह से कंफर्टेबल हैं या हम कन्वीनियंट हैं उस पर काम करने के लिए, उस हिसाब से चिल्ड्रन वी कैन एडजस्ट द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। इन सम मॉनिटर्स यू कैन रोटेट द स्क्रीन ऑल्सो, और कुछ में तो हम अपने मॉनिटर के स्क्रीन को भी रोटेट कर सकते हैं। चिल्ड्रन यू कैन सी हियर, यू कैन रोटेट इट इन ऑल द फोर डायरेक्शन, आप चारों डायरेक्शन में इसको रोटेट करके अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। सो चिल्ड्रन दिस टाइप ऑफ मॉनिटर इज कॉल्ड टिल्ट एंड स्विवल बेस। इसके बेस में जो ये जो इसका बेस है इसको हम टिल्ट एंड स्विवल बेस कहते हैं। सो चिल्ड्रन विद दिस वी हैव स्टडीड रिवाइज्ड वन मोर टॉपिक। एट लास्ट चिल्ड्रन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर। एज यू नो चिल्ड्रन डिपेंडिंग अपॉन लाइक इन प्रीवियस टाइम इन ओल्ड टाइम वी यूज टू हैव कैथोड रे ट्यूब। पहले का कंप्यूटर जैसा कि आपने देखा होगा कि बल्की होता था और बहुत ही भारी सा होता था, उसके लिए बहुत स्पेस चाहिए होते थे उसको रखने के लिए, और उसके बाद उसे एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। नाउअडेज चिल्ड्रन वी आर हैविंग LCD मॉनिटर एंड दिस काइंड ऑफ मॉनिटर इज़ वेरी लाइट वेटेड एंड इट कैन बी moved from one place to another, and look wise also the previous one used to look bulky and heavy, wo smart look nahi deta tha, but nowadays the one which we are having is quite smart and handy. ab aap dekho is tarah ka, jaisa ki pehle humko computer television hota tha, टेलीविज़न भी पहले जो हमारे पास होता था वो भी भारी सा और बल्की सा होता था, लेकिन नाउअडेज वी आर हैविंग LCD और LED टेलीविजन्स, दीज आर वेरी लाइट वेटेड एंड दे आर वेरी स्मार्ट इन लुक ऑल्सो बाई लुक ऑल्सो। सो चिल्ड्रन सिमिलरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वन इज़ CRT मॉनिटर एंड द अदर इज़ LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर इज़ द न्यू वन एंड इट इज़ क्वाइट स्मार्ट एंड बेटर देन द प्रीवियस वन। एज चिल्ड्रन जैसा कि आप जानते हो ये जो पहले वाला था इसको रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती थी और उसके बाद इसको एक जगह से दूसरे जगह उठाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी और उसके बाद देखने में भी अच्छा नहीं था, बहुत भारी भरकम सा बल्कि सा था। और उसके बाद जो नया वाला है, नया वाले में इट इज़ लाइट इन वेट एंड इट इज़ लुक वाइज ऑल्सो इट लुक्स वेरी स्मार्ट एंड इट इज़ वेरी थिन, दैट इज़ वाई इट कैन बी एडजस्टेड एनी वेयर, रखने में भी आसानी रहती है। सो चिल्ड्रन दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर एंड द लेटेस्ट वन इज़ द LCD मॉनिटर। नाउ चिल्ड्रन आफ्टर दिस वी हैव यूजेज ऑफ मॉनिटर। सो वी हैव स्टडीड इन आर प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट ऑल द यूजेज डिफरेंट types of work which we do on computer is displayed on the monitor. Suppose children, you are making a drawing, आप कोई drawing बना रहे हो वो भी आपको monitor पर दिखाई देता है, computer में पे कुछ कर रहे हो लिख रहे हो that is also seen on the computer, और if you are reading something from the computer that is also shown or seen on the monitor. Then children, if you are playing games, the games which you are playing is also shown on the monitor. Then if you are watching cartoon movies children, that also can be done on the monitor. So these are the different uses of
monitor. Now, children, with this we have come to the end of chapter. Chapter thoda chota tha. I hope you all have understood. So let us read the exercise given at the back. So children, before going to the exercise, we have a topic called self-evaluation. After reading the chapter, in every chapter we do this exercise in which we read out the statements which are given from the chapter and we put tick in agree or disagree. So children, first one is, I have learned that a monitor is a part of computer that looks like a television. So children, we have learned from the chapter that a monitor is a part of computer which look like a television. So children, no doubt, of course we have read this and we very well know that that monitor is a part of computer, and it is not only a part of computer, it is a smart or it is very important part of a computer and which looks like a television, or ye television ki tarah dikhta hai. So children, this point you have learnt and understood very well and you agree with the statement, that is why we will put here tick below agree. Now second one, children, I know that information displayed in the monitor is called soft copy. So children, as we studied in the chapter, any information which is displayed on the screen is called soft copy. कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. सो चिल्ड्रन, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो एंड आई हैव पुट अ टिक मार्क बिलो इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट. आई हैव लर्नड दैट अ मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडियो. आई हैव लर्नड दैट अ मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडियो. सो चिल्ड्रन, the another name for monitor as we studied in the chapter is video. Video means visual display unit. So I agree with this point also, or I have put tick in this in front. Last one is, I know that CRT and LCD are two types of monitors. As we know children, monitors are found in two types. Monitors are of two types. One is CRT and the other one is LCD. CRT means cathode ray tube and LCD means liquid crystal display. So children, these two types of monitors are found, and as we know, CRT is the old one which was जो कि हमें कुछ साल पहले तक आप दिखाई देता, लेकिन आजकल हम देखते थे बच्चों, जो कि बहुत भारी भरकम होता था, जिसे हम कह सकते हैं इट वाज बल्की एंड आल्सो इट वाज वेरी हैवी, और देख के बहुत स्मार्ट सा भी नहीं दिखता था. लेकिन नाउडेज चिल्ड्रन, द वन विच वी आर हैविंग इज एलसीडी. इवन वी हैव एलसीडी टीवीज आल्सो, एलसीडी और एलईडी, जो कि देखने में भी बहुत स्लिम होता है और बहुत स्मार्ट सा लुक देता है, और इट इज़ वेरी लाइट इन वेट ऑल्सो चिल्ड्रन. सो सीआरटी के लिए हमें को रखने के लिए हमें काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन एलसीडी मॉनिटर्स को रखने के लिए हमें स्पेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. हम थोड़े स्पेस में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी स्लिम एंड एज इट इज़ वेरी लाइट, इट इज़ वेरी ईजिली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो चिल्ड्रन, इन दिस वे we agree with this statement also. So children, let us revise once again. I have learnt that a monitor is a part of computer that look like a television. So children, humne chapter mein padha ki jo monitor hota hai, it looks like a computer, wo ekdam computer ki tarah dikhai deta hai. Uske baad, I know that information displayed on the monitor is called a soft copy. So we agree with this statement also children, कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इट इज सॉफ्ट कॉपी. इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट यू कैन डू. देन चिल्ड्रन, आई हैव लर्नड दैट अ मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडियो. आई हैव लर्नड दैट अ मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज video. So children, as we have studied in the chapter, another name for monitor is video. Video means visual display unit. Then children, last one is, I know that CRT and LCD are two types of monitor. So children, this is also true.
This also we have studied and understood in the chapter. So children, with this we have completed self-evaluation. Now children, we are going to proceed to the book exercise of this chapter. One by one we will do these exercises. So children, let us start. Children, as we have studied the chapter and understood also, let us start doing these exercises one by one. So children, a monitor looks like a microwave, car or television. So children, here in every question we have three options. As you can see here children, first question is a monitor looks like a microwave, car or television. Bachcho, kya bata sakte ho monitor kaisa dikhta hai? Monitor look like a television. So you will put a tick over here. Monitor looks like a television. Monitor television ki tarah dikhta hai, isliye hum television pe tick ka nishan lagayenge. Fir children, second one, information displayed on the monitor is called soft copy. So children, as we know, whatever information is displayed on the monitor, it is called soft copy. So children, you will put a tick in front of soft copy. Monitor is also known as EDU, VDU or CDU. Children, among these three, option B is the right answer. As we know, VDU means visual display unit. जैसा कि हम जानते हैं children, जो VDU होता है वो हमें visually information या जो भी हम computer पे कर रहे हैं उसे दिखाता है, इसलिए हम उसको visual display unit भी कहते हैं. Monitor को visual display unit भी कहते हैं. So that is why option B is the right answer and you will put a tick in front of VDU. So children, with this we have completed question number 1 and let us revise question number 1. So children, exercises, these are the questions which are from the chapter. We are going to read it and solve it. So first question is A, tick the correct answer. Children, here we have three questions and every question have three options. So first question is a monitor look like a TV. So you will put television, you will put tick in front of third option, that is television. So children, this is first question, television. Then information displayed on the monitor is called, children, the information displayed on the monitor is called soft copy. The information displayed on the monitor is called soft copy. Monitor is also known as VDU. Children, monitor is also known as VDU. So children, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो मॉनिटर होता है वो टेलीविजन की तरह दिखता है क्या, रिजेंबल करता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है टेलीविजन, दैट मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. चिल्ड्रन, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वी हैव इन द कंप्यूटर और डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, इट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी. देन थर्ड वन चिल्ड्रन, monitor is also known as VDU. VDU is another name for monitor. The full form of VDU is visual display unit. Now children, coming to question number B, fill in the blanks. Children, here we have some three fill in the blanks. First one is children, a spelling is given but not complete spelling is given. Some clues are given. We are going to read out the statement and then fill in the answer. Now, a dash is used to display text, pictures and videos. Children, a dash is used to display picture, text or videos. So children, as we have studied all about monitors, by now we very well know that monitor is used to display text, pictures and videos. Then children, second one, the monitor has a
dash button to switch it on or off. The monitor has a dash button to switch it on or off. So children, as we have studied in the chapter, monitor also have on off button, and this on off button is power button, which is used to switch on the monitor. So you will write here, first wale mein hum likhenge. In first one children, we will write MONITOR, monitor. And in second one children, we will write power, PWER, power. The monitor is used to display text, pictures and videos, and monitor has a power button to switch it on or off. जैसे कि हम बाकी parts computer के switch on off करते हैं, वैसे ही monitor में भी on off button होता है, जिसे हम power button कहते हैं. उसे बंद करके या उसे on करके हम computer को on off करते हैं. Similarly children, third one में हमारे पास है, a monitor looks like a television device. जो monitor है, it looks like a television, TELEVISION, television device. So children, a monitor look like a television device. So children, television is another electronic device, which is a machine made by man. The monitor resembles a television. So here you will write television. So children, with this we have completed this question also. Let us revise it once again. Ek bar hum ise fir se dohra lete hain. So children, here first question is, a monitor is used to display text, picture and video. We have studied in the chapter. By now we very well know that a monitor is used to display text, pictures and videos. So here children, you will write MONITOR, monitor. Second one, the monitor has a dash button to switch it on or off. So children, as we know, a monitor has a dash button, means power button, POWER, button to switch it on or off. Children, जब हमने क्लास वन में ऑन ऑफ करना सीखा था कंप्यूटर, देन वी हैड स्टडीड अबाउट ऑन ऑफ बटन, एंड दिस इज सो सिमिलरली सेम एज चिल्ड्रन, यूपीएस एज वेल एज सीपीयू हैज़ ऑन ऑफ बटन. सिमिलरली मॉनिटर ऑल्सो हैज़ ऑन ऑफ बटन टू कीप इट, टू स्विच इट ऑन और ऑफ. देन थर्ड वन चिल्ड्रन, अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. मॉनिटर कैसा दिखता है? एकदम टेलीविजन की तरह दिखता है. सो हियर यू विल राइट TELEVISION, टेलीविजन. सो अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन डिवाइस. सो विद दिस चिल्ड्रन, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन चिल्ड्रन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी. Write T for true and F for false statement. So children, as we know, a monitor looks like television. A monitor looks like television. So you will, this statement is true. You will write T for true. Aap yahan pe T for true likhenge. Uske baad children, second statement is, a monitor is used to type words. So children, is a monitor used to type words? No, monitor is not used to type words. Monitor is used to display anything on the computer. Computer mein koi bhi cheez display karna hai to hum monitor ko use karte hain. So monitor is not used to type word. Keyboard is used to type word. So instead of monitor, yahan pe keyboard hota to hamara statement sahi ho jata. To hum yahan pe keyboard likh sakte hain. Is used to type statement. So this one is true and this one is false. CRT and LCD are two types of monitor. Of course children, we know that CRT and LCD are two types of monitor. So here you will write T for true
And question number 4, children, a monitor is also known as VDU. Monitor ko hum VDU bhi kehte hain. VDU ka full form hai Visual Display Unit. So you will write here true. The statement is also true. So let us revise, children. Write T for true and F for false statement. As you can see here, children, we have T for true and F for false statement. A monitor looks like television. A monitor looks like television. This statement is true. So you will write here T for true. A monitor is used to type words. This is wrong, as here it should be keyboard. KEYBOARD, board. And here you will write false. Ye false statement hai. Then CRT and LCD are two types of monitor. Jo CRT aur LCD hai, ye do tarah ke monitor hai. This is also true, children. A monitor is also known as video. Monitor ko hum video bhi kehte hai. This is also true. So children, this is all about true and false. With this, we have come to the end of our today's exercise. Children, whatever we have studied, go through the exercise, read the chapter, and come again in our meet. We will meet again in our next video. Till then, thank you.